शिशु ने तो कहा था कि आशिया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, पर आशिया तो अभी भी ठीक नहीं लग रही। गुरुजी, यीशु के कारण इतनी देर हो गई आपके पास आने में। पता नहीं घर में सबको क्या पाठ पढ़ा रखा है उसने। कोई खिलौना बनवा कर ले आया खिलौने वाले से, जिसको देखकर आशिया की बीमारी दूर हो जाएगी। गुरुजी, गुरुजी, उसने मेरे सिवा घर में सबको अपने बस में कर रखा है। लेकिन गुरुजी, मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी, कि आप ही मेरी बच्ची को ठीक कर सकते हैं। गुरुजी, मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए गुरुजी। अब समझ में आया, खिलौने वाले चाचा ने यीशु की मदद की, ये बात पिताजी को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने गांव वालों के बीच अफवाह फैला दी कि उनके खिलौने अशुभ है। प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु सब ठीक करेंगे। ये लो, इसे इसमें से दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा करके बच्ची को खिला देना। इसके आसपास जितनी भी नकारात्मकता है सब समाप्त हो जाएगी। संभाल छोटा, आज धीरे से। पिताजी की दी हुई दवा से ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है यीशु। जैसे मेरी आंखों की रोशनी तुमने लौटाई थी, वैसे आशिया को भी बहुत जल्द ठीक कर दो। यीशु, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? यीशु, मैंने क्या समझाया था, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन हर समस्या का हल संभव है ना? माँ, पिताजी ने इस खिलौने को जोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये पहले जैसी नहीं हो पाई। देखिए ना, इसके बीच में दरार रह गई है। क्या आशा के साथ भी तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? क्या आशा भी पहले की तरफ इस तरह से ठीक नहीं हो पाएगी? क्या उसके मन में भी हमेशा हमेशा के लिए दरार रह जाएगी? बोल देना माँ। आओ बैठो। ये देखो, क्या इस गेंद में तुम्हें कोई चेहरा नजर आ रहा है? चेहरा नहीं माँ, मुझे तो बस गेंद नजर आ रही है। और अब देखो, अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, अब मुझे चेहरा दिखाई दे रहा है।
बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हर लकीर प्रभु की खींची हुई होती है। अगर प्रभु चेहरे पर लकीर बनाते हैं तो आंख, नाक, कान बन जाता है, और अगर वो हाथों पर लकीर बनाते हैं तो किस्मत की रेखा बन जाती है। ठीक उसी तरह कोई चीज टूट जाने पर या चोट लगने पर जो रेखा बनती है उसे तजुर्बा कहते हैं। आगे संभल कर चलने का तजुर्बा। मतलब ये कि ये जो खिलौना है ना, ये टूटा नहीं है बल्कि इसमें तजुर्बा आ गया है। और जैसे कि मैंने कहा, हर समस्या का हल है। प्रभु की कृपा से खिलौने की ये दरार जीवन रेखा में भी बदल सकती है। बस सच्चे मन से प्रार्थना करने की जरूरत है, और हो सकता है ये दरार वाली चिड़िया हमारी आशा को ठीक भी कर दे, है ना? आप लोग इतने उदास क्यों हैं? लगता है रबी गुरु जी की बेटी खिलौने वाले की समस्या सुलझाने के लिए यीशु से मदद मांगने आई है। यीशु, खिलौने वाले चाचा जी ने आज पिताजी से कह दिया कि वो तुम्हारा काम पूरा करवाने के बाद महाभोज की तैयारी में मदद करेंगे। शायद इसी बात से पिताजी उनसे नाराज हो गए हैं। हाँ, और इसी वजह से उन्होंने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि बाबा के बनाए हुए खिलौने अशुभ है, और अब गांव वाले खरीदे हुए खिलौने वापस कर इनसे पैसे मांग रहे हैं। और यीशु, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मैं खिलौने बनाकर पैसे नहीं कमाना चाहता। खिलौने बनाकर मुझे सुकून, तसल्ली और खुशी मिलती है। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, अगर परमपिता की कृपा हुई तो हम सबके जीवन में बहुत जल्द खुशियां वापस लौट आएगी। बस आप अपना विश्वास बनाए रखिए। तो चिड़िया तुमने तोड़ दी थी वो पिताजी ने वापस जोड़ दिया। अब तुम इसे अपने पास रख सकती हो। लेकिन जोड़ने के बाद भी उसमें दरारें तो रह जाएंगे ना? नहीं, ये दरारें नहीं है, तजुर्बे की निशानी है आशिया। जीवन का तजुर्बा। आओ मेरे साथ चलकर परमपिता से प्रार्थना करें। वो तुम्हें ऐसा कोई उपाय जरूर देंगे जिसे पाकर तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। हम सबके जीवन में खुशियां जरूर लौट आएगी।
हे परमपिता परमेश्वर, मेरी बहन आशिया अपने चिड़िया चीरू को बहुत याद करती है। आप उसे ऐसा उपहार दीजिए जिससे वो खुश होकर ठीक हो जाए, और कृपया करके यहाँ उपस्थित सभी लोगों के जीवन से जो जाने अनजाने में खुशियाँ छिन गई है वो वापस लौटा दीजिए। आशिया बेटा, रब्बी गुरु जी ने जो औषधि दी है तुम्हें वो खानी है, चलो अंदर चलो। नहीं माँ, मैं औषधि बाद में खा लूंगी, अभी मुझे यीशु भैया के साथ प्रार्थना करनी है। अरे बेटा लेकिन जरूरी है, बाद में खा लूंगी ना। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुमने ईश्वर से प्रार्थना की और नीमा की दृष्टि लौट आई। मैं देख सकती हूँ। मेमना इंसानों की बोली बोल पड़ा। यीशु, मैं जानने को उत्सुक हूँ कि इस बार तुम्हारी प्रार्थना क्या रंग दिखाती है। माँ कहती है कि डर से कई ज्यादा शक्ति विश्वास में है, और मैं मुझसे भी ज्यादा आप पर विश्वास करता हूँ। कृपा करके मेरी बहन आशा की इच्छा पूरी कर दीजिए। आशा के ही नहीं, यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी की इच्छा पूरी कर दीजिए। हम सब पर अपनी कृपा बरसाइए परमपिता, हम सब पर अपनी कृपा बरसाइए परमपिता। हे प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा बरसाइए। कृपा बरसाइए प्रभु, कृपा बरसाइए प्रभु, कृपा बरसाइए प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा बरसाइए परमपिता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो यीशु, पर अपनी बहन आशिया को ठीक नहीं कर पाओगे। वो वैसी ही रहेगी जैसा मैंने उसे कर दिया है, निराश उदास। हम सब पर अपनी कृपा बरसाइए परमपिता, हम सब आपके शरण में हैं, कृपा बरसाइए। अंदर चलो बेटा, इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला। रब्बी गुरुजी की औषधि ही तुम्हें ठीक कर सकती है। हाँ चलो। यीशु बेटा, तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो गई हो तो मैं आशिया को अंदर ले जा सकती हूँ। चलो आशिया अंदर चलो। रुको माँ, वो देखो कपड़े के अंदर कुछ हिल रहा है।
समझ में नहीं आया ये चिड़िया आखिर इस कपड़े के नीचे घुसी कैसे और कब? ये कैसे हुआ? यीशु भैया ये देखो ये चिड़िया बिल्कुल चीरू जैसी है। लेकिन ये तो सारी की सारी चीरू जैसी है। तुमने मुझे डराने के लिए काली चिड़िया बनाई, लेकिन परमपिता ने आशा के लिए सच्ची चिड़िया भेज दी। पहले ही मेरी बच्ची उदास थी, अब उसे और भी रुला दिया। नहीं मारिया, ये उदासी के नहीं खुशी के आंसू है। यीशु भैया, मेरे आंखों के सामने से सारा अंधेरा दूर हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अचानक से उजाले में आ गई हूँ। चाहे कोई कुछ भी समझे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ यीशु की ये सारी हरकतें शैतानी शक्तियों का ही नतीजा हैं। मेरी बच्ची तो रब्बी गुरुजी के चमत्कार से उनकी कृपा से ही ठीक हुई है। उन्होंने उसके सर पे हाथ रख के ईश्वर से प्रार्थना की थी, तभी तो ये ठीक हुई है और वो भी बिना औषधि के। मैं उन्हें ना ये खुशखबरी सुना कर आती हूँ। चलती हूँ। आप सब लोगों ने खिलौने वाले चाचा जी के बनाए हुए खिलौने ये समझ कर लौटा दिए कि वो अशुभ हैं, लेकिन उन्होंने आशा के लिए जो खिलौने बनाए थे वो मैंने नहीं लौटाए। और देखिए मेरे परिवार के लोग कितने खुश हैं। खिलौने वाले चाचा जी के खिलौने अशुभ नहीं हैं, शुभ हैं। उनके बनाए खिलौने से ही तो हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। हाँ यीशु, सही कह रहे हो, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी उस भूल को सुधारना चाहता हूँ। क्या मुझे मेरे बेटे के वो खिलौने वापस मिल सकते हैं जो मैंने लौटा दिए थे? मैं उसके लिए दुगनी कीमत देने को तैयार हूँ। हाँ, अपने पैसे वापस लेकर
हमारे खिलौने वापस कर दो भाई। गलती हो गई कि हमने तुम्हारे खिलौनों को अशुभ समझा। खिलौने वाले चाचा जी से अपने खिलौने वापस देने के बाद गांव के बाकी लोगों को भी बताइएगा कि उनके खिलौने अशुभ नहीं बल्कि बहुत शुभ है। हाँ, जरूर 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 करेंगे, जरूर जरूर बताएंगे।